नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से दो बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं जो कि आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों, पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि चीन से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, चीन ने सोमवार को नई दिल्ली में गुआंगझोउ शहर के लिए एक विशेष उड़ान जो कि एयर इंडिया के विमान को उड़ान की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें, यहां पर सुबह नई दिल्ली से गुआंगझोउ शहर के लिए जो विशेष एयर इंडिया का विमान रवाना होना था, लेकिन यहां पर चीन की ओर से उसको अनुमति नहीं दी गई। इसके पीछे 21 जून को शंघाई की विशेष में दो भारतीयों के कोविड-19 पॉजिटिव बताने जाने की वजह बताई जा रही है। आपको बता दें, चीन के प्रशासन ने भारत के गुआंगझोउ शहर के लिए खाली उड़ानों की अनुमति दी थी। आपको बता दें, दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आप लोगों के एयरलाइंस के रिफंड को लेकर आ रही है। यहाँ पर आपको खुशखबरी देना चाहेंगे कि लॉकडाउन के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर जब रोक लगी थी तो इस अवधि के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो टिकट है वो कैंसिल हुई और उसके बदले में क्रेडिट नोट देने की तैयारियां एयरलाइंस ने करी थी, जिससे यात्रियों को रिफंड देने की तैयारी नहीं की थी। अब आपको बता दें, यहाँ पर इंदौर के ही कई लोगों ने लाखों रुपये के अटके हुए हैं। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन के मुताबिक 23 मार्च से देश में केवल कार्गो और स्पेशल उड़ानों की अनुमति है। डोमेस्टिक फ्लाइट तो शुरू हो गई है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट अभी तक नहीं शुरू हुई है। इस अवधि में जिन लोगों ने टिकट बुक करवा लिए थे, एयरलाइंस उन्हें क्रेडिट नोट दे रही थी जिसमें कि यात्रा करने पर टिकट का मूल्य कम हो जाएगा। पर यहाँ पर अब जो जितनी भी एयरलाइंस है वो धीरे धीरे करके जो एयरलाइंस है इसमें अपने जो एसोसिएशन के मुख्यालय स्तर पर भी चर्चा की गई है। इसमें यह तय किया गया है कि एयरलाइंस अब यात्रियों को रिफंड देना भी शुरू करेंगी। जल्द ही इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, जादौन के मुताबिक सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया ने इस संबंध में सहमति दे दी है, जबकि कुछ निजी एयरलाइंस ने भी एक दो दिन में इस संबंध में घोषणा कर देंगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको आपका रिफंड भी जो अटका हुआ है वो मिल जाएगा। तो ये थी आज की दो बड़ी अपडेट्स शाम की, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए। अगर तो आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, में हूँ आपका दोस्त विनायक। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।